हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, मैथ बाय नरेंद्र पर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बैंकिंग की कंप्लीट इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि उसके अंदर जो भी सिलेबस है वो सीमित होता है, तो सीमित सिलेबस किस प्रकार होता है, यानी कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर होते हैं और उसको हम किस प्रकार से उसका रिविजन को या सिलेबस को कम्प्लीट करेंगे, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करते हैं। बैंकिंग सिलेबस में क्या होता है कि SSC के सिलेबस से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो कुछ ही यानी कि थोड़ा ही उसमें लिमिट होता है कि जब होता है क्या है SSC के अंदर क्या होता है, जबकि बैंकिंग में क्या होता है सिलेबस सीमित होता है। तो सिलेबस को हम किस प्रकार से यानी कंटिन्यू क्वेश्चनों को करेंगे, पहले तो हम सिलेबस को देखते हैं, फिर उसके ऊपर बेस पर हम क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। सिलेबस हमारा क्या है, कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें से यानी कि सीमित समय से सिलेबस है, उसमें से 12 टॉपिक हमारे पास हैं। उनमें से क्या है कि पहला टॉपिक क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, जबकि सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद थर्ड टॉपिक है यानी कि इनइक्वालिटी एंड असमानता, सिलोजिज्म, ब्लंट रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी और नॉन नंबराय मशीन इनपुट, और 10 पर क्या क्रिटिकल एनालिसिस रीजनिंग यानी आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक, यानी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। उनमें से यानी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है, ये टॉपिक कुछ लंबा खासा है, उसमें से यानी कि महीने से 1.5 महीने के अंदर होता है, जबकि यानी मेंस और प्रीम से इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो जबकि ये टॉपिक है रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसमें से या 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार बल रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। सिलेबस से क्या होता है कि यानी कि ये टॉपिक हमें SSC के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग और सिलेबस, इनइक्वालिटी असमानता, कोडिंग डिकोडिंग, यानी हर एक एग्जाम में मिल सकता है कि कोडिंग और डिकोडिंग किसके आधार पर होता है, यानी अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल आधार पर होता है, यानी कि अल्फाबेटिक आधार पर, यानी वॉयल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पूछा जाता है, या फिर कोई नंबर देख करके उसके काउंटिंग के आधार पर पूछा जाता है, ये हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज ये क्या होता है, ये एक नंबर पर आधारित हो सकता है या फिर कोई एक अल्फाबेट के आधार पर हो सकता है, यानी कि एक श्रृंखला के रूप में होता है, यानी सीरीज के रूप में मिलते हैं, देखने को हर एग्जाम में मिल जाता है। डाटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट, ये एक बैंकिंग का सिलेबस है, यानी कि बैंक के अंदर ही बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि SSC के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, मशीन इनपुट के ऊपर नहीं मिलता। जबकि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में हमें कम से कम 1 से 1.5 महीने उसके सिलेबस में लग जाते हैं, जबकि इनके अंदर और अन्य सभी टॉपिकों के अंदर क्या होता है, ये पूरे टॉपिक 1 या 1.5 महीने के अंदर पूरे कंप्लीट किए जा सकते हैं। जबकि सीटिंग और अरेंजमेंट और पजल क्या होता है, इसके अंदर ओनली 2 टॉपिकों अंदर अंदर हमें कितना समय लग जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर लग जाता है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इन्हीं में से कोडिंग और डिकोडिंग को उठाते हैं और आज कोडिंग और डिकोडिंग पर चर्चा करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, इसमें हमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है, यानी किस प्रकार के हम क्वेश्चनों को एग्जाम में देखने को मिलता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। हमने क्या सोचा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, उनमें से क्या होता है फर्स्ट यानी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जब सेकंड क्या बाइनरी कोडिंग। तो बाइनरी कोडिंग क्या होती है, एक तरह की बाइनरी कोडिंग, तो बाइनरी कोडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के दरबे होता है, तो आप जानते हो कि कंप्यूटर अंदर क्या चलती है, बाइनरी भाषा, यानी कि 0 और 1 के ऊपर चलती है, तो उसके बेस पर क्या होता है बाइनरी कोडिंग होती है। जब कंडीशनल कोडिंग, जो भी कि हमें एक क्वेश्चन के अंदर देख करके यानी कि एक ऑप्शनल एज इज कोडेड एज, यानी कोड के अंदर एज करके उसको आगे हमें क्या पूछा जाता है, कोई डिफरेंस कोड को पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा कोड होगा। उसी प्रकार जब ये न्यू पैटर्न कोडिंग है, ये क्या है, मेंस की जान है, जबकि इसके मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है, मेंस की जान। फिर क्या होता है मैथमेटिकल कोडिंग, तो मैथमेटिकल कोडिंग के अंदर क्या होता है कि इनको वर्ड देख करके एज ए कोड के अंदर क्या करते हैं, जबकि यानी कि अल्फाबेटिकल आधार पर कोई शब्द देख करके हमें क्या पूछ लिया जाता है, जबकि उसको कोडित किसके रूप में किया जाता है, नंबर्स के रूप में कोड किया जाता है, यानी उसको मैथमेटिकल तरीके से कोड किया जाता है, फिर उस नंबर का यानी कोई अन्य नंबर देख करके हमें उस नंबर का कोड पूछ लिया जाता है, वो क्या होता है मैथमेटिकल कोडिंग होती है। जबकि मशीनरी कोडिंग में क्या होता है, मशीनरी कोडिंग में होता है कि जब यानी अल्फाबेटिक सीरीज के आधार पर हो सकता है,
या फिर नंबर्स के आधार पर भी हो सकता है मशीनरी कोडिंग के अंदर, कि जब एक वर्ड को देख रहे बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, एक शब्द बढ़ा करके, एक शब्द या बढ़ा करके या फिर एक शब्द पीछे करके यानी घटा करके, कि उसमें हमें एक अन्य शब्द को पूछ लिया जाता है, वो क्या होती है, हमारी मशीनरी कोडिंग होती है। इस प्रकार हमने इस कोडिंग डिकोडिंग को कितने रूप में बांटा है, यानी कि 6 भागों में बांटा है, यानी पहला सबस्टेशन कोडिंग, सेकंड बाइनरी कोडिंग, और थर्ड क्या था, कंडीशनल कोडिंग, और चौथा नंबर पे क्या होता है, न्यू पैटर्न कोडिंग। न्यू पैटर्न कोडिंग को हम जैसे क्वेश्चनों करेंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से हम हर क्वेश्चन को समझ लेंगे। फिर क्या कहते हैं, 5 नंबर मैथमेटिकल कोडिंग, और 6 नंबर क्या होता है, मशीनरी कोडिंग होता है। अब हम क्या कहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग किसके बेस पे होता है, अल्फाबेट के आधार पर किस प्रकार से हमें पूछा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अल्फाबेट के आधार पर यानी कॉन्सोनेंट, और अल्फाबेट के अंदर 26 होते हैं टोटल, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, यानी कि 26 होते हैं, उसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवेल कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, जबकि वोवेल कितने होते हैं 5, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं, लेटर कोडिंग में किस प्रकार होता है। लेटर कोडिंग क्या होता है, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग किसके आधार पर होता है, अल्फाबेट के आधार पर होता है, यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट के आधार पर होता है। जब टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं, यानी कि 26, यही तो होते हैं टोटल अल्फाबेट हमारे पास कितने होते हैं, 26। तो 26 कहां तक होते हैं, जो टोटल अल्फाबेट हमारे पास 26 है, वो कहां से लेकर कहां तक होते हैं, A to Z तक होते हैं, यही तो होते हैं। जबकि A to Z तक हमारे पास टोटल अल्फाबेट हो गए 26 हो गए, हुए ना, तो फिर जबकि 26 में से कितने कॉन्सोनेंट और कितने वोवेल है हमारे पास है, तो उसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, कॉन्सोनेंट NANT टोटल कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 21। जबकि जो शेष हमारे पास रह गए वो क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, यानी कि सवर, सवर हमारे पास कितने हैं, 5। तो जबकि टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट हैं, उनमें से कॉन्सोनेंट 21 हैं, जबकि सॉरी ओवल कितने हैं, 5 है, तो ओवल 5 हमारे पास कौन से बनते हैं, A, E, A, E, I, O और U, ये हमारे पास 5 क्या हुए, कौन सॉरी ओवल हुए। जब ये 5 ओवल हमारे पास A, E, I, O, O, U है, तो कॉन्सोनेंट क्या हो गए, जो रिमेनिंग शेष बचे यानी अल्फाबेट में से 5 तो हमारे पास स्वर हो गए, जो शेष बचे यानी कि 21, वो हमारे पास क्या हुए, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन प्राप्त हुए। अब हमें पूछ लेता है कि अल्फाबेट में क्वेश्चन यानी किस प्रकार से क्वेश्चनों को बनते हैं, तो यानी पूछ लिया जाता है कि पीछे से, यानी कि पीछे से कोई, यानी कि राम है, राम आगे से 4 नंबर लाइन 4 पे है, तो पीछे से किस लाइन पे होगा, है ना, कि यही तो पूछ लेता है कि टोटल उसमें 26 मेंबर है, तो उसमें से राम आगे से 4 यानी कि 5 नंबर पे है, तो पीछे से वो कौन से नंबर पर होगा, इस प्रकार हमें पूछ लिया जाता है। तब हमें पूछे कि आगे से कितने नंबर पर है, जब हम क्या करते हैं, आगे इज इक्वल टू माइनस पीछे, ये तो करते हैं, जबकि हमें पीछे से वो किस लाइन पे है, तब हमें पीछे से पूछे, तब इसके लिए हम क्या करना होगा, 27 माइनस आगे, यानी वो आगे से है, वो उसके से माइनस करना होगा, यानी कि 27 से, यानी कि 27 से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जो हमें उसका यानी पता चल जाएगा वो किस नंबर पे है। तो इसके लिए और क्या होता है, इसका ऑपोजिट देखते हैं कि अल्फाबेट के अंदर किस, कौन सा अक्षर किसका ऑपोजिट होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी अब क्या करते हैं, हम ऑपोजिट देखते हैं, यानी विपरीत क्या होता है, कौन सा वर्ड किसके विपरीत होता है, अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, विपरीत, ये तो होता है। जब भी आपको काउंटिंग यानी नंबर के आधार पर पता है कि यानी ए एक नंबर पे, बी दो पर, सी तीन पर, इस प्रकार से, जबकि इनको भी हमें याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम किस प्रकार करते हैं, जैसे कि आपने क्या हुआ, इजोटी है, टी वाई, यही तो है, ए किस पे है, 5 पर, जे किस पे है, 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, इस प्रकार से आपने क्या होगा और देखा भी होगा एग्जाम्स में कि आपको यानी याद करने के लिए क्या करते हैं, इजोटी है, इस प्रकार से आप ट्रिक याद करते हैं, जैसे बी 2 पे, जब ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस, यानी कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या करते हैं,
पहले पहले क्या करते हैं, अपोजिट यानी विपरीत देखते हैं, किसका विपरीत कौन है, यानी ए टू जेड। इसका विपरीत करने के लिए क्या करते हैं, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है नहीं, ए का विपरीत जेड, तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, ए टू जेड। बी का विपरीत क्या होता है, वाई यानी बाई। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स, तो इसे क्या लिखते हैं, क्रेक्स, यानी याद करने की ट्रिक है, सी का विपरीत क्रेक्स। डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू डाउन विंडो। डाउन विंडो। ई का विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, वी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इवनिंग। ठीक है, जी का विपरीत क्या होता है, एफ का विपरीत यू, तो इसको क्या लिखते हैं, फुल। ठीक है, जी का विपरीत क्या होता है, टी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जी टी रोड, लिखते हैं जी टी रोड। ठीक है, एस का विपरीत क्या होता है, एस, तो इसको क्या लिखते हैं, हाई स्कूल। आई का विपरीत क्या होता है, क्या होता है आई का विपरीत, आर, इसको हम क्या लिखते हैं, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जंगल कवीन। जंगल कवीन, जंगल कवीन। के का विपरीत क्या होता है, पी, तो पी को क्या लिखते हैं, पिंक सिटी। यानी कि गुलाबी नगर, ये तो लिखते हैं पिंक सिटी। के का विपरीत क्या था, पी। फिर क्या करते हैं, एल का विपरीत क्या होता है, ओ, तो इसे हम क्या किससे रिनोट करेंगे, के याद करने के लिए, लो से, एल ओ लो, तो ये क्या हुआ, ये। तो M का विपरीत क्या होगा, N, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, कि याद करने के लिए मैन, M A N, ये तो याद करते हैं। फिर वो यानी M का विपरीत क्या, O, फिर वापस करते हैं F से आगे, N के आगे क्या था, O, तो O का विपरीत क्या होगा, L, फिर L, तो L के लिए फिर करेंगे तो O, M का अपोजिट N है, तो N का अपोजिट क्या होगा, M, इस प्रकार तो होगा। जिस प्रकार यानी C का विपरीत है, जब आपको पूछ लिया कि C कोई वर्ड दिया जाए, यानी सी ओ सी ओ डब्ल्यू है, तो इसका ओपोजिट आपको क्या दिया जाए, एक्स, एल, डब्ल्यू के ओपोजिट क्या रखा है हमने, डी, तो इसका क्या, ऐसे क्वेश्चन में हमें कोड में कोडित क्या हुआ मिल जाएगा, जब फिर जब नेक्स्ट को हमें पूछ लिया जाएगा कि एच यू टी का क्या है, क्वेश्चन मार्क स्थान पर पूछ लिया जाएगा। यानी कऊ को डिनोट करा एक्स एल डी से करा क्या, तो एच यू टी का एच ओ डी को किस से कोडित करेंगे, यानी हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तब हमें किस प्रकार करेंगे, एच को दे, एच जब हमारे हमारे पास, यानी कि जब हमें एच याद है तो हम कैसे करेंगे, एच को क्या लिखते हैं, एस, जबकि यू को क्या लिखते हैं, जब वो यू को एफ लिखते हैं तो टी को क्या लिखते हैं, तो टी जब हमारी याद है, यानी यहाँ से उठाएंगे टी को, जी टी, तो जी टी से क्या हुआ, जी, तो एच यू टी को किस से डिनोट करेंगे, एस यू एफ से डिनोट करेंगे। तो इसी के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेते हैं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को हम एक अन्य नाम से, किस नाम से पुकारते हैं, चाइनीज कोडिंग से। क्या होती है ये, चाइनीज कोडिंग। क्या होती है, चाइनीज कोडिंग। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंदर हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे राम श्याम, श्याम राम श्याम और घनश्याम,
ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राम, घन, श्याम और श्याम, इसको हमें किसे डिनोट किया हुआ है उसको हम देखते हैं। जबकि राम और घनश्याम और श्याम हमें ये दिया हुआ है, यानी कि तीन अलग अलग नाम दिए हुए हैं हमें, तो इसको सविस्टिशनल कोडिंग के अंदर, चाइनीज कोडिंग के अंदर किस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे इसके अंदर इसे क्या एज कोडेड एज, यानी किस में कोडेड क्या क्या है, एज कोडेड टू ला मी, यानी इसे में डिनोट क्या हुआ है, किसको, राम श्याम घनश्याम को किससे कोडित किया गया, टू ला मी, इस प्रकार से कोडित किया गया है। जबकि यहाँ पे क्या है, घनश्याम, घनश्याम आदि, आदि किसका नाम है, आदि लीला, ये भी किसी का नाम है। जबकि इसे किसे डिनोट किया हुआ है, एज कोडेड एज, किसे कोडेड किया हुआ है, जैसे ला पी यू, इसे डिनोट किया हुआ है। तो इसमें से हमें पूछ लिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन का पूछ लेगा कि इसमें घनश्याम का कोडेड क्या है, तो इसमें भी घनश्याम और इसमें भी क्या, हमें घनश्याम दिया हुआ है, जबकि घनश्याम इसमें भी दिया हुआ है, जबकि राम श्याम घनश्याम इसमें क्या, आदि और लीला दिया हुआ है, तो इसमें एक हमारे पास कॉमन वर्ड कौन सा है, यानी कि घनश्याम का हमें पूछा है, तो घनश्याम के लिए जो इनमें भी घनश्याम है और इनमें भी क्या हमारे पास घनश्याम है, तो ये जो हमें एज कोडेड है, जो हमें कोडित क्या हुआ है, उसके अंदर जो कोड यानी कॉमन आएगा वो उसका क्या, किसका कोड होगा, जो घनश्याम का कोड होगा। तो इसके अंदर हमारे पास ला है और इसमें एले से डिनोट क्या हुआ है, तो हमारे पास कॉमन क्या आया, एले, तो घनश्याम, यही तो है। तो घनश्याम को किस डिनोट करेंगे, घनश्याम का कोड क्या है हमारे पास, एले। इस प्रकार ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंदर क्या होगा, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार हमें नेक्स्ट क्वेश्चनों को करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, हमें दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को इन्हें सावधान पूर्वक पढ़ो और उसका आंसर के उत्तर दो, यही तो पूछा है। इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इसका मतलब कि एक निश्चित भाषा के अंदर इसको कोडित किया गया है। फिर क्या है कि इंश्योरेंस पब्लिक पॉलिसी इज कोडेड एज RMTRJK, यानी कि इंश्योरेंस पब्लिक पॉलिसी, इनमें से कौन सा किसका कोड है ये तो हमें पता लगाना है, जबकि इसको RMTRJK से कोडित किया गया है। जबकि नेक्स्ट इन्फ्लुएंस इनसाइट प्रिडिक्ट इज कोडेड एज MOSVLR, इसे कोडित किया गया है। जबकि उससे नेक्स्ट लाइन में क्या है, पॉलिसी प्रिडिक्ट इन्फ्लुएंस इज कोडेड एज SVRM और LR से कोडित किया गया है। इसी प्रकार इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस इज कोडेड एच RMJKTR से कोडित किया गया है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द कोड फॉर इन्फ्लुएंस पॉलिसी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, जो हमें कोडित लैंग्वेज दी गई है उसके अंदर हमने किसका कोड पूछा है, इन्फ्लुएंस पॉलिसी का कोड पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन्फ्लुएंस हमें किस स्टेप में दिया हुआ है, इंश्योरेंस हमें पूछा इन्फ्लुएंस क्या है, हमारे पास दो जगह इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, ये और ये तो दिया हुआ है। जबकि इनमें और कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, प्रिडिक्ट भी कॉमन आ रहा है, ये तो है। तो प्रिडिक्ट इसमें और इसमें, और प्रिडिक्ट हमें कहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है, और प्रिडिक्ट ये हमें कॉमन दिया हुआ है, प्रिडिक्ट इस दो लाइन के अलावा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। जबकि आपने पूछा इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन्फ्लुएंस को देखते हैं, यानी कि पहले इन्फ्लुएंस हमें किसका कोड पूछा, इन्फ्लुएंस पॉलिसी का कोड पूछा है, तो पॉलिसी ये क्या दिया, पॉलिसी। तो इन्फ्लुएंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले जबकि हमें इन्फ्लुएंस देखना है, तो इसके लिए इसमें और इसमें जो नंबर दो नंबर लाइन और तीन नंबर लाइन इसको देखते हैं, तो जबकि इसमें तो प्रिडिक्ट भी कॉमन आ रहा है, ये तो है। तो इसमें हमारे पास इस साइड कौन कौन कॉमन आ रहा है, SVLR कॉमन आ रहा है, तो SV और LR और हमें कहीं को देखने को मिल रहे हैं, जबकि इन्फ्लुएंस LR तो हमें यहीं भी देख रहा है मिल रहा है, ये तो है। इन्फ्लुएंस का कॉमन क्या आएगा, LR कॉमन किस प्रकार आएगा, जब इनमें और इनमें देखने से हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किसका कॉमन है, जबकि नेक्स्ट यानी जो नीचे वाली लाइन है इनको देखने पर हमारे पास इसमें इन्फ्लुएंस एकला वर्ड है, जबकि प्रिडिक्ट इसमें कहीं भी नहीं है, तब
इस इन्फ्लुएंस का कॉमन क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस का कॉमन एल आर, ये तो होगा एल आर। जबकि अब हमें किसका देखना है, पॉलिसी का। तो पॉलिसी हमें कहाँ कहाँ दिया हुआ है, पॉलिसी हमें दिया हुआ है फर्स्ट में हमें पॉलिसी दिया हुआ है। जबकि पॉलिसी और कहाँ दिया हुआ है, जो फर्स्ट और यानी कि थर्ड में हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन, तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन हमारे पास क्या निकल गया है, पॉलिसी। तो पॉलिसी और प्रिडिक्ट नहीं है और इन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो पॉलिसी के लिए क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास कॉमन क्या है, एस वी और आर एम और जे एल आर, इसमें आर एम टी आर जे के दिया हुआ है, तब हमारे पास कॉमन क्या आया, आर एम। तब पॉलिसी का कॉमन क्या हो जाएगा, आर एम, यही तो होगा। हमें यही तो पूछा था का इन्फ्लुएंस पॉलिसी का कोड, यानी इज इन द गिवन कोड लैंग्वेज, जो हमें कोड दिया उसमें कोडित करना है। तो इन्फ्लुएंस को किससे कोडित करेंगे, एल आर से, जबकि पॉलिसी को किससे कोड करेंगे, आर एम से कोड करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द कोड फॉर इंश्योरेंस इन द गिवन कोड लैंग्वेज, जो हमें कोड दिया हुआ है उसके अंदर से, यानी इंश्योरेंस को हमें किससे कोडित करेंगे। तो इंश्योरेंस को किससे कोड करेंगे, हमें दिया हुआ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है, तब इंश्योरेंस किस किस लाइन में हमें दिया हुआ है, इंश्योरेंस फर्स्ट और फोर्थ लाइन के अंदर इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन के अंदर कॉमन क्या क्या हमारे पास, एक तो आर एम एक जे की, दो वर्ड कॉमन है। तो इससे हमें यह तो पता लगा नहीं सकते कि इंश्योरेंस को इससे डिनोट किया गया है, जबकि किस को, इंश्योरेंस को इससे, इसमें दो वर्ड कॉमन है, ये तो इंश्योरेंस है कि नहीं, अरे इसमें भी इंश्योरेंस, जबकि पॉलिसी इसी में भी है और इसमें भी है। तो इसका इसका मतलब ये तो पता नहीं है कि पॉलिसी का कौन सा कोड होगा, जबकि इंश्योरेंस का कौन सा कोड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसी के लिए यानी कि जो तीन नंबर स्टेप है, इसके अंदर भी पॉलिसी है, तब स्टेप नंबर क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को देखने पर कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है आपको, आर एम कॉमन मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड से। तब पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड से जब आपको आर एम कॉमन मिला, तब फर्स्ट और थर्ड से ये तो पता चल गया आर एम किसका कोड है। जब फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे तो पॉलिसी का कोड क्या हो जाएगा, आर एम हो जाएगा, जबकि पॉलिसी का कोड क्या होगा, आर एम हो जाएगा। तब हमारे पास अब क्या बनता, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कॉमन होगा, आर एम तो किसके लिए है, आर एम तो है पॉलिसी के लिए, जबकि आर एम तो पॉलिसी के लिए, जबकि जो इंश्योरेंस बनता उसके लिए क्या कोड होगा, जेके। इसका कोड क्या हो जाएगा, जेके। इस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार से कोडित किया जाता है। आज के लिए इतना बहुत है और क्लास को कल कंटिन्यू आगे को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।